राणा सनाउल्ला तुम साथ में आते तो फिर हम आपको बताते कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। ये भाईजान मैं 10 गुलेले लेके आया हूँ दारोला बाजार उशेरे गुरकी से। अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की रहायशगाह के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर इस वक्त कारकुनों की एक कसीर तादाद मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीटीआई के एक कारकुन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से आए हैं? मैं धीर दारोला बाजार से उशेरे गुरकी से आया हूँ भाईजान। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भाईजान हमें कॉल आई अभी तकरीबन 1.5 घंटा पहले कि जमान पार्क में पहुँचे। कुछ गद्दार अंदर आने लगे हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारी इमरान खान रेड लाइन है, हम ये क्रॉस नहीं होने देंगे। अगर ये क्रॉस करेंगे, कोई हरकत करेंगे, तो ईंट का जवाब इन पत्थरों से देंगे फिर इंशाल्लाह। ये आप कहाँ से लेके आए हैं? ये भाईजान मैं 10 गुलेले लेके आया हूँ दारोला बाजार उशेरे गुरकी से। ये मेरे साथ पीछे मेरे कज़न खड़े हैं और 15 पठान, लतीफ़ भाई और खालिद शाह खान और अकबर खान, इकबाल खान, आसफ खान, आशक खान और तकरीबन जमान खान, रहीम गुल, शहजाद खान और शुएब खान, ये सब बार जमान आजम खान न्याजी के कम में बैठे हुए हैं और हम अपनी पूरी तैयारी से आए हुए हैं, सब खानदान हमारा। अच्छा, आपको डर नहीं लगता पुलिस जब आएगी? पुलिस के पास आंसू गैस भी है, शेलिंग भी है, वो गन्स भी है उनके पास, और आपके पास ये गुलेल है, ये बेंटे हैं और ये पत्थर है। जी जी। तो आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये इन्होंने लोहे के राड हमें मारे हैं, ये निशान नज़र आ रहा है और यहाँ से मेरा गोश्त फटा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हड्डी बच गई है। हम हाल रोड पे जैसे आते थे, ये पुलिस वाले हमारे करीब नहीं आते थे क्योंकि हमारे पास गुलेले और हम तैयारी में थे। ये बख्तरबंद गाड़ी में ऊपर वो जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है शेल फेंकने वाले का, गाड़ी बख्तरबंद आती थी, शेल फेंक के और भाग जाती थी। राणा सनाउल्ला तुम साथ में आते तो फिर हम आपको बताते कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। अभी तोशाखाना केस में जो है अभी उसके वारंट गिरफ्तारी जो बहाल रखे गए हैं उनको मुअत्तल नहीं किया गया, किसी वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है, आपका क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में बता के आया हूँ, मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम रमजान खान है, दूसरे का नाम सुफियान खान है। मैं घर में बता के आया हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं घर में बता के आया हूँ राणा सनाउल्ला, शबाज शरीफ, जरदारी, डीजल, बिलावल खुसरा और शबाज भीख मांगने वाला बेटो, अगर ये मुझे शहीद कर देते हैं, एक हमारा भाई जिल्ले शाह इन्होंने शहीद कर दिया है और कहते हैं कि गाड़ी लगी है। अब हम आपको बताएंगे गाड़ी लगी है कि पत्थर लगे हैं या लोहे के राड मारे हैं सर में। मेडिकल झूठ नहीं बोलता, हमारे कप्तान ने हमें अभी तक कहा है कि पुरअमन रहो, हम पुरअमन हैं, अगर कोई हरकत की तो फिर इंशाल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर कर देंगे। अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है पीटीए के कारकुन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से हैं आप? मैं कसूर से हूँ। कसूर से हैं, माशाल्लाह। तो किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम खान की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, इंशाल्लाह हम पे फर्ज है कि हम खान साहब को सिक्योरिटी मुहैया करें। तो आपके हौसले कैसे हैं? हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं और दिन रात हम यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, इंशाल्लाह हमारी जान भी चली जाएगी, हमें कोई परवाह नहीं है। हम घर में बता कर आए हैं कि हम खान साहब के साथ हैं और इनकी सिक्योरिटी हमारे ऊपर फर्ज है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान साहब, हम लेके रहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त आपने पीटीआई कारकुनों के हौसले देखे, किस तरह उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया, किस तरह उन्होंने डंडे खाए।